आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मिठाई वाला। इस कहानी का लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनके द्वारा लिखी गई कहानी मिठाई वाला एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक फेरे वाला अपने दुखों को भूलकर दूसरों के सुख में अपने सुख ढूंढता है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे उसे घेर लेते। तब खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की डब्बी खोल देता। बच्चों खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसा लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते हैं, इसका दाम क्या है? और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनके नन्हे नन्हे उंगलियों से पैसा ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। एक दिन चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने ले आए और उनके साथ खेलने लगे। दोनों अपनी हाथी और घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन दोनों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनके खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने कहा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? चुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित है। इस बात ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता रोहिणी को नहीं लगी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने के समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भावाई मुरली बजाने में वही एक ही उस्ताद थे। मुरली बजाकर गाना गाकर वक मुरली भी बेचता है और 2-2 पैसे में देता भी है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। इस प्रकार की चर्चा मोहल्ले में होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गलियों में उसका मदक मुद्रल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाला का यह स्वर सुना, तुरंत ही खिलौने वाला का याद आ गई। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाले भी इस तरह गा गा कर खिलौना भेजा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय पास बाबू के पास गई और उनके पास कहा, जरा मुरली वाले को बुला दो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। विजय बाबू तब समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजा पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह से मुरली दे रहे हो? मुरली वाले ने बोला, वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू ने बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सबको 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अतृप्त हो उठा, बोला, सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं भी ये 2 पैसे में मुरलियाँ नहीं पा सकते हो। मैंने तो पूरा 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ता है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर गए। फिर मुरली वाले ने अपने मधुर स्वर से बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। रोहिणी को मुरली वाले पर तरस आ रहा था। उसे पता था कि मुरली वाला मुरलियाँ सस्ते दाम में दे रहा है, भला आदमी है, पर बेचारा मारा मारा फिरता है, पेट जो ना करिए थोड़ा ही है। मुरली वाला चला गया, उसके मधुर आवाज़ सुनती रही थी। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे के गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का ये स्वर उसके लिए परिचित था। उसने छत से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय पति मकान में नहीं थे। उनके विधवा दादी से कहने लगी, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बिठा दो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितने मिठाई दे दूँ माँ? नहीं, नई तरह के मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ कटी
कुछ कुछ मीठी और बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं खुलती। बच्चे इसे बड़े चाव से चूसते हैं और ये सर्दी को भी दूर करती है। दादी ने पूछने लगी, 1 पैसा का कितना दोगे? वो बोलने लगा, 16 देता हूँ। दादी बोलने लगी, 16 तो बहुत कम होता है, भला 25 दे दो। रोहिणी वहीं खड़ी थी, दादी से बोली, दादी फिर भी वो सस्ता ही दे रहा है, 4 पैसे के ले लो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो ये पहले पहले इस शहर में आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं। दादी ने उससे पूछने लगी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वे उसे कुछ बात पूछना चाहती थी और पूछने लगी कि पहले ही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर। मिठाई वाले ने विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। तब रोहिणी ने पूछा, इसमें क्या लाभ आपको मिलती होगी? वक बोला, मिलता लाभ कई है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर यहाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं भी चाहता हूँ, सो कैसे वक भी बता दो। अतिश गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठा आदमी था, मकान व्यवसाय घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वहाँ सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संस्कारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सजे सोने की खिलौने, उनकी आंचल से मेरा घर कोलामल मच रहा था, समय का गति विधाता का लाली अब कोई नहीं है, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, ऐसे जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, पैसा का कमी थोड़ा भी नहीं है, जो नहीं है इसी तरह उसे मैं पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसके आंखों आंसू से तरा है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिटप कर उसका आंचल पकड़कर बोला, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो, कहकर उसने कागज़ में 2 पोटलियाँ बांधकर चुन्नू मुन्नू के हाथ में